हमीरपुर जिला में नशे का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और युवा नशे की गर्त में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामले में हमीरपुर में पुलिस ने एक ही दिन में दो अलग जगहों पर दो युवकों से स्मैक और चरस बरामद की है। पहले मामले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान रंगस के पास मोटरसाइकिल पर युवक रजनीश कुमार सुपुत्र बाबूराम निवासी गगल कांगड़ा से 1 ग्राम स्मैक बरामद की है, तो दूसरे मामले में अनुकला के पास युवक राजेंद्र सिंह उर्फ सोनी निवासी अनुकला से 296 ग्राम चरस बरामद की है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीना ने बताया कि पुलिस ने नशे के खिलाफ आरोपियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है और पुलिस ने दो युवकों से चरस और स्मैक बरामद की है और युवकों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नशे से निपटने के लिए जिला में विशेष टीमें गठित की गई हैं जो कि ऐसे मामले में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला पुलिस हमीरपुर ने 2 केस दिए हैं जिसमें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं और जो एक पहला मामला हुआ है उसमें कुल 296 ग्राम चरस ये बरामद की गई है। एक राजेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है जो आरोपी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अणु का रहने वाला है और इसके पास से जो चरस बरामद हुई है उसके आधार पर इसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। दूसरा एक मामला जो दर्ज हुआ है वो नादौन में जो आरोपी है उसके पास से 1 ग्राम चरस मिली, 1 ग्राम स्मैक मिली है, तो ये काफी प्रशंसनीय कार्य रहा है जिला पुलिस का कल। और नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है जिला पुलिस की वो निरंतर इसी गति से आगे भी बढ़ती रहेगी और जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं सब तक कानून का हाथ पहुंचेगा। दरअसल पूरे हिमाचल में ही जो चरस की खेप आ रही है ये एक क्षेत्र विशेष है जहाँ पर इसकी प्राकृतिक रूप से भी उगती है, लोग इन्वॉल्व भी हैं इस मामले में, तो ये रूट वहीं से चला हुआ है। और इस समस्या से निपटने के लिए हमने थाना स्तर पे टीमें गठित की हैं, साथ ही साथ जो हमारी एसआईयू टीम है वो भी बेहतरीन काम कर रही है और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसमें तेजी लाएं। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि जो डाटाबेस है चरस को लेकर बाकी जो नशे कर रहे हैं उसको अलग अलग डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोग पहले इस तरह के केसेस में फंस चुके हैं और कितने लोग एक्टिव हैं, तो वो सारा डाटा हम तैयार कर रहे हैं, रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, तो जितने भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उन तक पुलिस जरूर पहुंचेगी। गौरतलब है कि हमीरपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों का एक डाटा तैयार किया है जिसके तहत अब टीमें गठित कर जिला में कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है।